अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड हाउ आर यू माय ऑडियंस, वेलकम बैक टू अनदर रिस्की ब्लॉग में। लेकिन आज कोई रिस्क का ब्लॉग नहीं आने वाला, आज आने वाला रिस्की स्टोरी टाइम। क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को देखा कि यार वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, और मैंने देखा लोगों को स्टोरीज देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। बोले हम भी कर लेते हैं, हमारे पास स्टोरीज वगैरह कुछ है, और कराची में रहते तो अगले हर किसी के साथ ये स्टोरी तो होती होगी। तो हाँ, आज की वही स्टोरी टाइम है, तो स्टार्ट करते हैं। मोबाइल स्नैचिंग और लाओ दे दो, तो यही हमारे साथ भी हुआ था आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले। तीन साल पहले लगा लो, ये तो 6 हो गया। 3 साल पहले हमारे साथ ये वाकया हुआ था, और फर्स्ट टाइम हुआ और आखिरी दफ़ा ये हुई है, और नहीं हुआ अल्लाह ताला खैर करे। तो हुआ ये था सीन के तो हुआ ज़्यादा सीन कुछ ये था कि रात में तकरीबन कुछ 12-1 बजने वाले थे, और मेरे भाई यहाँ पे जॉब करते हैं, तो उसको वहाँ पर मतलब उसके पास कोई कन्वेंस थी, मतलब जब हमने नया नया घर लिया था तो घर कुछ काम वगैरह थे, तो उसके शायद उसके रिलेटेड या पता नहीं कोई, तो भाई ने आप बाइक थी, भाई ने उस टाइम सेल कर दी थी। तो मतलब जब भाई वापस जॉब में जाने लगा, मतलब अपने किसी फ्रेंड के साथ चले जाता था सुबह, वापसी माना अगर कभी उसकी लेट हो गई तो मतलब होता है ना कोई यहाँ पे इस तरफ आना था तो छोड़ देता, वरना तो मतलब वहाँ पे मतलब रात को इतनी तो मतलब टैक्सी रिक्शा कुछ भी नहीं मिलता। इसका मतलब ये था कि मेरे भाई के पास कोई कन्वेंस नहीं थी, तो ऑफकोर्स भाई ने फोन किया अब्बा को कि अब्बा आप ऐसे ऐसे आ जाओ, मेरे पिक करने बस कोई कन्वेंस नहीं है और आज लेट भी बहुत हो गया काम में। तो अब्बा ने बोला ठीक है बेटा मैं पिक कर लेता हूँ, और अब्बा ने मेरे को फोन किया अब अभी जॉब पे, अब्बा ने बोला कि रजान तुम चलोगे लुटवाने के लिए। मैंने मतलब अब्बा ने बोला कि चल रहे हो तुम्हारे साथ घूमना फिरना हो जाएगा, मैंने बोला हाँ चलो मेरे को क्या पता था, तो मैं भी चल गया। हम यहाँ से होते हुए गिजरी के पुल से, जहाँ पे मेरा भाई जॉब कर रहा है, मतलब गिजरी के पुल से होके आगे जाना था, उस पुल से जाना था, उसी पुल से जाना था। तो खैर हम लोग निकले तकरीबन रात के कुछ 12 बजे से। अच्छा उस टाइम में बता दूँ मतलब ऑन स्पॉट हमारे पास कितना कैश और क्या कुछ एक्सेसरीज और क्या कुछ था हमारे पास एक्सपेंसिव, तो मैं वो बता दूँ आपको। तो यार मेरे अब्बा के पास तकरीबन कुछ कैश था 25,000, महीने की शुरुआत थी तो आपको पता है सैलरी थी। और सबसे पहले जब मेरे अब्बा के पास मेरे को शर्ट वर्ट पहने, तो उनने मतलब जो बाहर जो बटुआ अंदर होता है खुले पैसे होते, लेकिन अंदर जो मतलब जो बड़े नोट होते हैं जो कि बंदे हुए नोट होते हैं, वो अब्बा अंदर एक चोर जेब होती है जो कि शबाग में इसके अंदर आपने देखा होगा अक्सर हाथ डाल के निकालते हैं, तो वो एक अंदर जेब होती है जिससे मतलब जो बड़े नोट अंदर रखते हैं, मतलब बाहर जितने भी खुले वगैरह होते हैं 100, 200, 500 के छोटे नोट वो बटुए में रहते हैं बाहर वाली जेब में, और अंदर भी एक जेब होती है। तो अंदर वाली जेब में थे तकरीबन कुछ 24,000, और उसी दिन 25,000 में पूरे से भाई को जब लेने गए थे हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके थे, और अब्बा ने सिर्फ 200 या 300 के पेट्रोल लाया, वो 1,000 रुपये खुले कर रहे कि पूरी सैलरी तो अंदर थी बाकी 1,000 रुपये खुले कर रहे थे बस उसी रात। और फिर वहीं से हम लोग मिले इधर PSO का पेट्रोल पंप, यहाँ से पेट्रोल भरवाया हमने 200-300 का, और फिर हम निकले लेने के लिए भाई को। और फिर सीन कुछ ये हुआ कि अच्छा मेरे को ये याद है कि मतलब मैं तो अपनी मस्ती में था, मतलब मैं तो इधर उधर रोड वगैरह देखा था, हवा वगैरह एंजॉय कर रहा था, मतलब मैं तो कह रहा हूँ मैं ड्राइव पे निकल रहा था, मैं लेकिन नहीं बाइक पे गया था, मैं देखा था, मैं इतना नोट किया था, मेरे को इतना याद ज़रूर है। हम लोग के पुल पे जब हम लोग चढ़ रहे थे गिजरी के पुल पे, तो मैंने देखा था नीचे कुछ 3 लड़के खड़े हुए थे एक 70 बाइक के साथ जो कि ऑल्टर हुई थी, पट 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 आपको पता ही वो लोग कराची में रहता है स्पेशली। मैंने बोला ऐसे ही खड़े होंगे, स्मोकिंग कर रहे थे वो लोग खड़े होकर नीचे, रात के तकरीबन कुछ 1-1.5 बज रहा था, हम भाई को लेने जा रहे थे और तभी उन लोगों ने कारनामा अंजाम दिया। तो अब हम लोग पुल की जैसे बीच से पहुंचे, हम लोग मतलब पुल और घिसरी पुल लंबा अच्छा खासा पूरा रोड जो है, तो हम लोग जो है पुल में मतलब जो है वो स्टार्टिंग में चढ़े, तो हमें मतलब ऐसा कुछ नॉर्मल मतलब सही था, रोड खाली था सुनसान था रात के टाइम पे तकरीबन 1-1.5 बजे करीब। तो अब पीछे से जब हम पुल के बीच में पहुंचे ना, मेरे को इतना याद है सेंटर में जब, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब ना वो रोड पास है ना ये रोड पास है, मतलब बीच में जगह तो सुनसान थी, तो वहीं पर उन लोगों ने देखा कि भाई बकरा है तो हलाल करते हैं ऐसे। तो अभी क्या हुआ कि मेरे को पीछे से आवाज़ आ रही थी कि मतलब कोई बाइक जो है वो तेज़ स्पीड में, मतलब ऐसा होता है ना बहुत लोग अभी जो यहाँ के कराची के रहते हैं वो पता होगा उनको गिजरी में लड़के ऐसे रेस वगैरह भी करते हैं, तो मैंने बोला शायद कोई रेस वेस लगा रहा होगा पीछे से एकदम स्पीड में आ रहे फुल गाड़ी एक्सेलरेटर वगैरह लॉक करके और फुल एकदम, मैंने बोला शायद लड़कों का होते शौक वगैरह यहाँ पर तो ज़्यादातर, मैंने बोला कोई आ रहा होगा ऐसे ही आए हमारे साइड से, मैंने बोला निकल जाएंगे ना ऐसे, तो निकले तो नहीं। खैर उन्हें क्या किया एकदम से 3 लड़के थे एक बाइक पे बैठे थे 70 पे ऑल्टर, तो वो एकदम से बाइक लगाई आगे। अब जब उसने बाइक आगे लगाई ना, तो मैं तो समझ गया था पहले ही नज़र में कि ये तो डकैत है भाई। उन्हें क्या किया उस टाइम मैंने अब बोला अब बाइक मोड़ लो मोड़ लो, लेकिन उस टाइम वही कहते ना कि हीट ऑफ द मोमेंट कुछ आपको समझ ही नहीं आता, सब कुछ अचानक हो रहा है, तो इसमें कोई आपको जो है वो समझ ही नहीं आ रहा कि यार मतलब बंदा क्या करे, मतलब कन्फ्यूज हो गए। अपने बाइक रोक दी, 2 लड़के बाइक पे थे, एक लड़का उतर के आया वही गन वन दिखाई और बोला कि भाई जो है निकालो, और वो तो मतलब ऐसे हड़बड़ी करे, उनको तो पता भी ऐसा गलत काम करे तो दिल में तो चोट है तो वो तो करेंगे ही ना।
तो वो लड़का सबसे पहले आया, अब्बा से बोला कि जो भी है निकाल दो ये वो ना। तो अच्छा मेरे पास अच्छा फ़ोन जो था वो एक क्यू मोबाइल का सेट था। उस टाइम सर्दियों में विंटर्स का टाइम चल रहा था, तो मैंने एक व्हाइट कलर की हुडी पहनी थी। तो मैंने मेरे असल में भाई को मैंने फ़ोन करना था कि भाई आप बाहर आ जाओ, जैसे हम पहुंचे फ़ोन करना था मेरे को। तो अब्बा ने फ़ोन मेरे को दिया था कि देखना भाई को फ़ोन आएगा। तो मैंने जो है ना अपनी हुडी कैसे अंदर डाला हुआ था सर, मेरे से भी मैं अच्छा मैं उतर गया था बाइक से। जब उसने जब अपना गन वगैरह दिखाया था, जैसे मैं अभी शौक था, डर गया था, बच्चा था मैं, आज से 3 साल पहले की बात है ये। तो मैं उतर गया भाई साइड में, फर्स्ट टाइम मैं तो डर गया भाई, देखिए हो गया घर है भाई। तो उतर गया, मैं उतर गया ना पुल के साइड पे खड़ा हो गया था, बैरियर लगे हुए थे वहाँ पे खड़ा हो गया मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। वो जो जबरदस्ती करे मतलब भाई हाथापाई कर रहे हैं भाई जल्दी जो है दो दो दो। तो मेरे अब्बा ये चाह रहे थे, अब्बा कह रहे थे मतलब कोई बातचीत हो जाए मतलब, लेकिन वो चोर ठहरे लालची, वैसे हर कोई लालची होता है ना। तो खैर वो बोल रहे हम 100 200 थोड़ी लेने अंकल, तो उसने मतलब जाए मतलब खींचा था नहीं की। लेकिन यहाँ पे मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा गलत किया, खैर उस टाइम तो दिमाग नहीं था, अभी क्या ही कर सकते थे, वहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट जो हो रहा था, तो पैसों को प्रिपेयर नहीं था और फर्स्ट टाइम और था हमारे साथ ये। अब्बा की गलती है कि अब्बा के पैसे पड़े हुए थे ना अंदर से तकरीबन 24,000 और बाहर वाली जेब में से। असल में अब्बू इसलिए भी देना चाह रहे थे क्योंकि बटवे के अंदर अब्बू की शनाख्ती कार्ड की कलर कॉपी थी और उसमें और भी डॉक्यूमेंट्स थे, बाइक के पेपर्स ओरिजिनल, मतलब जो है कि वो जो मतलब सिग्नल पर अगर कहीं पर रोकते हैं वगैरह तो दिखाना होता है, और भी कई इंपॉर्टेंट जो कागजात वगैरह होते हैं यार। तो अब्बा मतलब वो कहते हैं कि चलो मैं निकाल के अपनी चीज़ें निकाल लेता हूँ, तुम वो पैसे ले जाओ। लेकिन वो तो भाई मतलब आपको पता है कि वो छीना छपटी कर रहे हैं, वो मतलब कुछ भी लेने देने नहीं देंगे, वो बोलेंगे भाई दे दो हमारे को, हमारा काम है, हमारा हो गया तुम दे दो। तो यही खींचातानी में पहले मेरे पास था, मेरे को दूसरा लड़का आया उतर के, तो मैंने तो भाई मैं तो सीधा सीधा मेरे को अपनी जान डारी, मैंने बोला ये लो अंकल आप रखो, आप खुश रहो, आपकी बीवी बच्चे खुश रहे। मैंने निकाल के फौरन मेरे पास जैसी है मैंने निकाल के, ये रखो तुम रखो तुम खुश रहो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ बस दूर जाओ ऐसे मेरे पास मत आना। तो फिर मैं तो साइड पे था। फिर ये हुआ कि उसने जो है वो खींचा, मेरे अब्बा ने मेरे को याद है जैकेट पहनी थी नॉर्मल, तो वो उसकी चेन भी टूटी और शलवार कमीज आपको पता है उसने अपनी जवानी का जोर लगा के खींचा। तो अब वो खींचा तो बटुआ तो निकल ही उनके हाथ में आ गया, लेकिन अंदर के जो 24,000 जो थे वो भी उनके हाथ लग गए। और जब उन्होंने देखा तो कमबख्त लोग मतलब मैं क्या इससे ज़्यादा सकलब यूज़ करूँ, उनको ये था कि यार अगर मिल गए आपको ठीक है भाई तुम्हारी ऐश होगी, तुम ले के निकल जाओ। नहीं, उनने मेरे अब्बा को एक थप्पड़ मारा और वो सीन देख के तो मैं थोड़ा डर भी गया था यार, हाथापाई हो रही थी। थप्पड़ मारा, तुम लोग को मिल गया, तुम गलत काम कर रहे हो ना, बंदे ने अंदर अपने छुपाया हुआ, तो भाई वो अपनी सेफ्टी के लिए छुपाया हुआ है। वो कह रहे अच्छा अब ये कहाँ से निकला। बस छीन छपटी करके ले के निकल गया और फिर हम लोग गए वहां से। फिर हम लोग निकले, मेरे अब्बू की ये शर्ट भी फटी हुई, सर्दियों का टाइम चला था, चेन भी टूट गई थी वहां लगी, और मेरे भाई ने कोई आउटफिट पर सेल चली थी काफी अच्छी महंगी जो है वो जैकेट थी ब्लैक कलर की काफी कूल, लेकिन वो भी चेन टूट गई फट गई जैकेट पूरी। खैर बहरहाल थोड़े मायूस हो गया, ऐसी बात है उनकी पूरी महीने की एक कमाई, मेहनत की कमाई जो उनको पूरे महीने के बाद उनके हाथ में रखी, भाई मेहनत की कमाई अपने हाथ में रखना बहुत सुकून मिलता है। और वो ऐसे चले जाना, 3 लड़के आए चरसी मवाली। अच्छा ये जो चोरी करते हैं अक्सर ये होते हैं जहाँ पे गली कोंचों के कोने में बैठे हुए रहते हैं और फिर होते हैं पूरी पूरे 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 दिन सोते हैं और पूरा रातों को उठ के चोरियां करते हैं, दूसरों के हक हलाल की कमाई पे अपनी वो डालते हैं। भाई तुम कमा के खाओ ना, हराम क्यों खा रहे हो, यहाँ पे तो तुम लोग छीन छपा के खा लोगे, लेकिन उस जगह पे तो तुम्हारे को जहाँ पे एंड होगा ना वहाँ पे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, एक एक रुपये का, एक एक सवाल का एक एक जवाब का तुम्हें देना पड़ेगा भाई, उस वक्त हिल नहीं पाओगे वहां से। क्या आसान थोड़ी, हलवा थोड़ी है सब ये, हम लोग आप बोल रहे कि भाई स्नैच हो गया खत्म हो गया हमारे हाथ से चले गए, नहीं हमारे यहाँ से तो चलो हमारी तौर पे चलेगी, अल्लाह ताला ने फिर भी बहुत करम किया है, ऑन द स्पॉट अल्लाह ताला ने साथ दिया हमारा फाइनेंशियल तौर पे। तो हम खैर अब क्या हुआ, हम लोग गए वहाँ पे, जहाँ पे भाई जॉब करते वहाँ पे मतलब कार्ड्स वगैरह भी थे, वहाँ पे भाई आया बाहर, तो हमने सारा सीन वीन बताया, वहाँ पे लोगों ने बैठाया, अब उन्हें पानी वानी पिलाया और गुस्सा मेरे को बहुत आया था स्लैब जो किया था, लेकिन अब क्या कर सकते, मेरे बस में कुछ नहीं था, मैं तो छोटा था और वैसे भी क्या ही कर सकते भाई। आपको बता दूँ इन लोग के सामने कोई जोर नहीं चलता, ये लोग आए हुए होते नशे करके पी के, क्या क्या ड्रग्स लेके क्या कुछ करके आते हैं, इनके बस में कुछ नहीं होता, इनको बस अपनी नशे की लत पूरी करनी होती है। अगर हक हलाली कमाने वाला होता ना कि भाई अपनी ज़रूरत के लिए कोई कमा रहा है तो वो मेहनत करके खाएगा, लेकिन जो जिनको हराम की लत लग जाती है और गंदी चीज़ों की लत लग जाती है वो फिर ये चोरी डकैती करते हैं और इन्हीं चीज़ों में घुसते हैं। अपने किसी दोस्त वगैरह से लोन ले लिया था कि मतलब जैसे महीने की स्टार्टिंग में घर को भी देखना था फाइनेंशियल तौर पर, तो खैर वो तो अल्लाह ने करम किया, हाँ तो खैर समझ गया था वो मामला। लेकिन और जिसने भी ये लिया जो भी किया इनका इंशाल्लाह इंसाफ आखिरत में तो होना ही होना है। इधर से हमारा चले गया, लेकिन हमें अपने अल्लाह पे तो भरोसा है ना यार, वो तो गफूर रहीम है, वो तो खड़ा है ना पीछे, वो तो सब देख रहे हैं। अच्छा वो रात लोगों ने तो देखा है, अच्छा ये अब मेरे को नहीं पता क्या, लेकिन कोई भी नहीं रुका, हालांकि एक ब्लैक वीगो गुजरी, उससे पहले 2 बाइक गुजरी, लेकिन कोई रुका नहीं। ऐसे बात हर किसी को अपनी जान प्यारी है। तो जहाँ पे मेरे ऊपर जॉब करते वहाँ पर उन लोगों ने सजेशन दी कि आप जो हो गया मूव ऑन करो, अब
अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह ताला बदला लेने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, आखिरत में वो तो हो गई होगा, उससे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी ये दुनियावी तौर पे कार्रवाई करनी पड़ेगी कानूनी तौर पे कि आपके उसमें शनाख्ती कार्ड थी, कलर कॉपी थी या जो भी कॉपी थी, लेकिन थी उसमें आपका नाम था, आपकी आइडेंटिटी थी। आप खुदा ना खास्ता कहीं पे मतलब जब वारदात करें वहाँ पे कोई शूट शूट कर दें, वहाँ पे कोई पुलिस का सीन हो गया, तो वो लोग किसी पे इल्जाम डालने के लिए भी कैसा कि यहाँ पे कोई आपका शनाख्ती कार्ड फेंक दे, कुछ फेंक दे, तो सारा शक उस बंदे पे आ सकता है। बहुत सारी ट्रिक्स होती है उनकी भी भाई। तो सबसे पहले ये काम किया कि हमने नेक्स्ट डे वहाँ पे जहाँ पे गिजरी था, गिजरी के पुल के नीचे वहाँ पे एक थाना था, वहाँ पे हम लोग गए सुबह में, मेरा भाई और अबू गए, वहाँ पे जाके हमने FIR दर्ज कराई। खैर वो लोग भी निकल गए, कहानी भी खत्म, और यही थी हमारी आज की स्टोरी टाइम। और अगर आपको कमेंट करके बताओ आपको अगर ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी, तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि यार आपको ऐसी और स्टोरी टाइम मेरी वीडियोस देखना अच्छा, ऐसा नहीं मेरी लाइव बोरिंग है, नहीं नहीं काफी ज्यादा स्टोरी टाइम अभी हुए हैं मेरे साथ, काफी स्टोरीज है। अगर आपको ये सीरीज देखते पसंद है तो मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा, कमेंट बस कमेंट करके बताओ आपको। और बस यही था, और आपके साथ भी कभी अगर ऐसा कुछ बात किया हुआ मोबाइल स्नैचिंग वगैरह का, वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और बस यही है यार कि हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला सबको अपने, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। दुआ वगैरह भी जरूर अमल करना यार। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो मैं हमेशा ये पढ़ता हूँ, ये पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। इससे होगा आपके जो शैतान जहाँ से आप जिस जगह से गुजरोगे, उसी गली के कोने कांच में जो खड़ा होता है, जो फितना जो परेशानी डालने के लिए, तो वो वहाँ से हट जाएगा ये दुआ से। तो आप प्लीज़, और ज़्यादा अगर वो है तो आप प्लीज़ आप आयतुल कुर्सी चार बजे पढ़ के घर से निकलें, क्योंकि अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में रहेंगे भाई। आजकल बहुत हालात खराब है, ऐसी हालात ऐसे बहुत ज़्यादा खराब हो रहे, क्योंकि हर जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट, अभी पिछले सदर में 2 बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं, अभी अभी कहीं पर खबर आ रही है कि बॉम्ब ब्लास्ट ये सब कुछ हो रहा है। और ज़रूरी आप क्या है कि मस्त है कि आयतुल कुर्सी चार बजे पढ़ के आप घर से निकले, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में रहेंगे, और अल्लाह ताला ज़रूर हिफाजत फरमाएगा आपकी, आमीन। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, और हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, जो गलत काम करें अल्लाह उनको, और हम सबको हर छोटे बड़े गुनाहों से हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और हाँ यार एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर ये आपके साथ मामला हो रहा है या कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, स्नैचिंग करने आ रहे, दे दो भाई, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। जान रहेगी तो फिर माल आ जाएगा, जान रहेगी तो फिर वो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, आप और मेहनत करोगे, अल्लाह ताला और बरकत देगा इंशाल्लाह ताला। मुश्किल में अल्लाह ताला जो आजमाइश अल्लाह देता है, आजमाइश पे अल्लाह ताला फिर मदद भी आपकी अल्लाह ही करता है। तो अल्लाह पे भरोसा रखो और दे दो, और मिलता हमको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और कमेंट बताओ स्टोरी कैसी लगी, मेरे को और वीडियोज़ कंटिन्यू करनी चाहिए सीरीज़ की, नहीं वो भी कमेंट करके जरूर बताओ। और मिलता हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो यार, अल्लाह हाफिज़।